हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्ज टू फलक में। आज का प्रश्न भी सिंपल इंटरेस्ट से है और ये आखिरी प्रश्न है, इसके बाद मैं दूसरे चैप्टर में चले जाऊंगा। प्रश्न है, देखिए, इफ़ रुपये 640 अमाउंट्स टू रुपये 768 इन 2 ईयर्स 6 मंथ्स, व्हाट विल रुपये 850 अमाउंट्स टू इन 3 ईयर्स एट सेम रेट परसेंट पर एनम। अगर 640 रुपये 2 साल 6 माह में 768 रुपये हो जाता है तो 850 रुपये 3 साल में उसी दर से कितना होगा। समझ में आ गई होगी बात। 640 रुपये 2.5 साल में 768 रुपये हो जाता है तो 850 रुपये उसी दर से 3 साल में कितना होगा। बस यही आपको निकालना है, पलक झपकते ही बन जाएगा, देखते रहिए। 640 ये ब्याज लगने के बाद हो जाता है 768। इसका मतलब जिस राशि पर ब्याज का आकलन होता है, यानी जिस राशि पर ब्याज कैलकुलेट होता है, उस राशि को मूलधन या प्रिंसिपल कहा जाता है। तो P बराबर हो गया 640, अब भर के हो गया 768, तो मिश्र धन यानी A बराबर हो गया 768। समय दिया हुआ है 2 साल 6 महीना, तो 2.5 वर्ष, 2.5, 2.5 को हम 2.5 लिख सकते हैं। या देखिए, ये 6 महीना जो है इसको साल बना देंगे तो 6/12 हो जाएगा। 6/12 को यदि आप दशमलव के रूप में करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। तो 2 साल और 6 महीना का हो गया 0.5, ये कुल मिलाकर के 2.5 हो गया। इस तरह से आपको आसानी होगी। चलिए आप ब्याज निकाल लेते हैं। आई देखिए, मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो मिश्र धन से मूलधन घटा दिए, ये माइनस पी, यानी 768 माइनस 640, ब्याज निकल गया 128 रुपये। अब दर निकाल लेते हैं। दर का फॉर्मूला आप जानते हैं, यानी ब्याज गुना 100, इंटरेस्ट गुना 100 बटे प्रिंसिपल गुना टाइम, यानी ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। ब्याज हो गया 128 गुना 100 बटे मूलधन हो गया 640 गुना समय 2.5। इसको काट के छोटा कर देते हैं। देखिए, 0 और 0 मैंने काट दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे आप इसको 64 दूनी 128 कर दीजिए। 64 दूनी 128 हो गया। अब यहाँ हो गया क्या, 10 दूना 20, 20 बटे हो गया 2.5। देखिए इसको और एक बार कर देते हैं, आपको समझ में आसानी होगी। 20 बाई 2.5, ये पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे तो एक अंक है पॉइंट के दाहिनी ओर, तो ये 0 और बैठ जाएगा। अब इसको सीधे काट दीजिए 225 को, 25 8 है 200, यानी कि ये आर बराबर हो गया 8% पर एनम। अब देखिए आपका आर निकल गया। अब देखिए इस प्रश्न का दूसरा स्टेप बहुत आसान है, यहाँ सिर्फ आपको आर निकालना था, दूसरा स्टेप पर चल रहे हैं। दूसरा स्टेप में देखिए मूलधन अलग हो गया, प्रिंसिपल कहता है कि 850 रुपये 3 साल में कितना होगा, तो P बराबर ले लेते हैं। तो चलिए P बराबर दिया हुआ है 850, उसके बाद T बराबर 3 ईयर्स और R आपने वहाँ से निकाल दिया 8% पर एनम। आप देखिए, अब आप ब्याज निकाल लीजिए। जो ही आप ब्याज निकालेंगे तो इस मूलधन में ले आके जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है आपका मिश्र धन यानी ये निकल जाएगा। यहाँ क्या कहता है कि व्हाट विल रुपये 850 अमाउंट टू, यानी 850 उसी दर से बढ़ के कितना होगा, वो आपको ये निकालना है। तो पहले आप आई निकाल लेंगे, ये बराबर व्हाट, आई बराबर व्हाट, यानी जब तक ब्याज नहीं निकालेंगे तब तक आपका मिश्र धन नहीं निकलेगा। तो ब्याज निकाल लेता हूँ मैं, आई बराबर ब्याज गुना PTR/100, PTR गुना दे सकते हैं बीच में भाई 100। तो पी कितना हो गया, 850 गुना हो गया 3 गुना आर हो गया 8/100। इसको आप छोटा कर दीजिए। चलिए यहाँ से 0 0 हटा देते हैं, हट गया, 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 7 35, यानी 17 5 85 होता है। 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौके 8। आप देखिए 4 3 12, 12 और 17 को आपको गुना कर लेना पड़ेगा, 12 7 84 हासिल हो गया 8, 12 1 12 और 8 20, यानी 204 रुपये हो गया इसका ब्याज। अब तो ब्याज हो गया, कहता है कि 850 बढ़ के कितना होगा, तो आपको ये निकालना है। अब आपको मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन यानी पी में ब्याज ला के जोड़ देंगे मूलधन में, तो मिश्र धन निकल जाएगा। तो ब्याज हो गया 204 और मूलधन है 850, दोनों को जोड़ दिए तो 1054 हो गया, ये आंसर हो गया। चलिए इसी तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगला चैप्टर में जाऊँगा कल से।